जहाँ माता जी की पूजा होती है, नवदीप नव दुर्गा के नौ रूपों का आप दर्शन करेंगे। वहाँ रामायण के नवान्न पारायण भी होते हैं। भगवान श्री राम ने, कितनी बड़ी बात है कल्पना करो, आज मेरे पास कई टेलीफोन आए और कई माताएं बहनें, कई बच्चों ने पूछा कि ये व्रत कैसे करना चाहिए, हमको जॉब में जाना होता है तो व्रत करेंगे तो कैसे होगा, हम कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, तो कैसे कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या क्या छोड़ना होगा। लेकिन ये हमारे मनोबल के ऊपर निर्भर करता है। आप कल्पना करो, कथा ऐसी है कि 9 दिन तक भगवान श्री राम जी ने फास्ट रखा, 9 दिन तक, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया को शिक्षा दें और स्वयं ना करें। 9 दिन तक 9 नवरात्रि फास्ट रखा। इतना ही नहीं, रात में भी जगना होता है। आप देखते हैं कि ये 9 दिन जो होते हैं ये हमको चार्ज करने के लिए होते हैं, तो हम रिचार्ज हो जाते हैं फिर से, क्योंकि जब हम संसार में लगते हैं तो संसार में तो कोई चार्ज तो होने का काम होता नहीं। जहाँ जाओ, जिसके पास जाओ, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को बढ़िया नींद आ जाती है, तो रात को हम रिचार्ज हो जाते हैं थोड़ा सा, तब अगले दिन काम कर पाते हैं। कहीं कल्पना करो कि 4 दिन नींद ना आए तो क्या होगा हमारा, ना खाने को मन करेगा, ना संसार की कोई वस्तु अच्छी लगेगी। तो ये राम जी ने, देखिए शारीरिक बल ही बल नहीं होता कि खाने से तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। मैं एक जगह पहुंच गया अंबाला में, एक आप कई बार आपने देखा हो हिंदुस्तान में, एक अंबाला एक शहर है हरियाणा में। 1980 की बात है, मैं महात्मा ही था। 1980 में मैं वहां पर पहुंच गया अंबाला कैंट में, वहां एक सनातन धर्म मंदिर प्रवचन करना था मुझे, वहाँ राम कथा करनी थी, उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे टिकाया। तो वहाँ एक प्राकृतिक चिकित्सालय था, और वहाँ जो मुझे लोग बोले, बाबा जी आप ऐसा करिए, यहाँ पर आप आए हैं तो आप हमारी प्राकृतिक चिकित्सा भी ले लीजिए। मैंने कहा मुझे कोई रोग तो नहीं है? बोले रोग नहीं है तो क्या हुआ, आप चिकित्सा ले लीजिए। हमने वहाँ पर, मैंने चिकित्सा ली, तो उन्होंने क्या किया, एक महीना तक, आप कल्पना करेंगे, एक महीना तक मैंने रोटी नहीं खाई, और एक महीना तक वो क्या खिलाते थे, सुबह को पानी, और पानी में नींबू डालकर थोड़ा सा हनी शहद डालकर, सुबह को, दोपहर को, शाम को, बोले 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम, वो हनी और एक नींबू, आधा नींबू सुबह आधा नींबू, तो शाम तक 1.5 नींबू हो जाता था, वो आधा नींबू और 2 चम्मच शहद और पानी, पानी जितना चाहो पियो, बाकी खाना कुछ नहीं है। कभी बीच में उन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है थोड़ा गाजर का जूस ले लो, लेकिन मैंने अनुभव किया कि एक महीने के बाद सचमुच में रिचार्ज हो गया। आपको लगता है, कई बार हम लोग सोचते हैं ये मनोबल की बात है, भूखे कैसे रहेंगे, फास्ट कैसे होगा। अगर ऐसा मन में चिंता है तो फास्ट मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं। व्रत के बहुत प्रकार हैं, हम लोगों ने बहुत निर्जल व्रत किए हैं, पानी के बिना भी व्रत होता है। अब काशी में ऐसे लोग हैं कि आज भी हमने माताओं को देखा, एक माता जी 9 दिन तक नवरात्र व्रत करके आईं, मुझे पता नहीं था, 10वीं को बोली बाबा जी मेरे घर चलो, मैं उसके घर चला गया। मैं क्यों बुलाया, बोले दोपहर का लंच मेरे घर करना है, उसने मेरे को रोटी बना के खिलाई, मैंने रोटी खाई, बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया भोजन बनाया था। लेकिन बड़ा अचंभा मुझे तब हुआ, बड़ा कष्ट भी हुआ, कि उस बहन ने मुझे बताया कि स्वामी जी, मैंने कभी, बहन जी तुम तो खा लो, बोले अभी तो मेरे बच्चे हैं, आपको खिलाया, अभी पति को खिलाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, बच्चों को, पति को, फिर उसके बाद में फिर मैं देखूंगी, मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा आज रोटी नहीं खाओगी? बोले रोटी कैसे खा सकती हूँ मैं, क्या हुआ? बोले 9 दिन तक मैं एक लौंग का जोड़ा खाकर रहती थी, देखो 9 दिन तक एक लौंग का जोड़ा खा के रहती थी, और मुझे 1 किलोमीटर से लेने भी गई, 1 किलोमीटर दूर मेरा उसका घर था, मुझे लेने गई, लेके आई 1 बजे, तो 12 बजे मुझे गई वहाँ, 1 बजे तक मैंने भोजन किया, और 9 दिन की भूखी 10वें दिन
मैंने कहा तुमको कमजोरी नहीं है? बोले माता जी ने बहुत शक्ति दी है, कमजोरी तो नहीं है। अभी तो मैंने पानी भी नहीं पिया 9 दिन से, पानी नहीं पिया। देखो आप कल्पना करो, और हम लोग कहते हैं कि राम जी ने 9 दिन तक व्रत किया, फास्ट किया, और 10वें दिन इतनी ताकत आ गई माता जी की कि 10वें दिन रावण मार दिया, और रावण में 10 सिर थे उसके। तो 10 सिर थे तो क्या 10 लोगों के बराबर ताकत तो होगी, लेकिन इतनी शक्ति तो हमारा जो मनोबल है, कई बार हम बड़े मोटे तगड़े हो जाते हैं लेकिन हम लोगों में शक्ति नहीं होती। तो हमारा मनोबल भी मजबूत होना चाहिए, आत्मबल भी हमारे भीतर होना चाहिए। तो शारीरिक बल और इंद्रिय बल, बुद्धि बल, मनोबल, बुद्धि बल और आत्मबल, ये कैटेगरीज हैं। पैसे तो पैसे के बल को भी कई लोग, पैसा जेब में होता है तो अपने को बड़ा ताकतवर समझते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। पैसा कहीं चोरी हो जाए तो क्या होगा, फिर तो हमारी हम कमजोर हो जाएंगे। तो हमारे पास सारे बल होने चाहिए, इंद्रियों का शारीरिक बल भी चाहिए, फिजिकल जो हमारी जो शक्ति है वो भी चाहिए, लेकिन तो ये व्रत करने से आप विश्वास करें कि मनोबल बढ़ता है, और इतना मनोबल बढ़ सकता है कि प्रमाण है कि भगवान राम जी ने 9 दिन फास्ट किया। ये तो हम कोई झूठ नहीं कह रहे, 9 दिन बताओ, अब वहां पर फास्ट करके तब रावण को 10वें दिन मारा, नवरात्रि के बाद रावण मरता है तब भगवान ने मारा था, इसलिए ये परंपरा है। और सनातन धर्म के अनुसार आप मैंने एक मेडिकल साइंस में एक डॉक्टर से पूछा तो कहता है कि बाबा जी ये 32 फिट लंबी हमारी छोटी आंत होती है, 32 फिट लंबी, और वो हमारे भोजन को स्टोर करती है, तो अगर हम पानी पीते रहें तो 92 डेज तक कोई मर नहीं सकता, 92 डेज स्टोर रहता है भोजन। तो कल्पना करें, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको थोड़ी शक्ति मिले कि आप व्रत रख सको, व्रत में कुछ कष्ट नहीं होता। और हम तो इतना नहीं कहते, हम तो कहते भाई ऐसी वैसी कोई चीज़ मत खाओ जो खाने की नहीं है, और उसमें दूसरा रस लो, फल लो, दूध लो, ये सब लेने की चीज़, और व्रत अन्न मत खाओ, और ज़्यादा आपको रोटी बार बार याद आती है तो एक बार अन्न खा लो, ऐसा कर सकते हो। और नहीं, अगर रोटी खा के भी व्रत होता है, बड़े बड़े महात्मा हमने भोजन करके व्रत करते हैं, क्योंकि वो व्रत करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम अत्याचार नहीं करेंगे, हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, ये व्रत होते हैं। फिर वो भी व्रत हमारे हो सके, हम व्रत करते हैं इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करेंगे, ये भी व्रत है। तो हम बड़े बड़े भी उनको महाव्रत कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको महाव्रत कहते हैं। ये रोटी छोड़ना तो एक व्रत होता है, ये महाव्रत भी हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भगवान की प्रार्थना करें। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। तैरना क्या जाने वो पत्थर बिचारे, 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 तैरने लगे राम नाम के सहारे, तैरने लगे राम नाम के सहारे, तैरना क्या जाने वो
पत्थर विचार तैना क्या जाने वो पत्थर विचार तैरने लगे राम नाम के सहारे तैरने लगे राम नाम के सहारे नाम लिखते ही आ गए पत्थर में प्राण नाम लिखते ही आ गए पत्थर में प्राण जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा लंका जलाई और लांघा समंदर 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 राक्षसों को मार आया छोटा सा बंदर राक्षसों को मार आया छोटा सा बंदर लंका जलाई और लांघा समंदर लंका जलाई और लांघा समंदर राक्षसों को मार आया छोटा सा बंदर राक्षसों को मार आया छोटा सा बंदर जपता रहा दिन रात राम नाम जपता रहा दिन रात राम नाम जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा सुनकर बातें मुस्काए श्री राम जी सुनकर बातें मुस्काए श्री राम जी सुन सुन के बातें मुस्काए श्री राम जी सुन सुन के बातें मुस्काए श्री राम जी मारे खुशी के नाचे हनुमान जी मारे खुशी के नाचे हनुमान जी सुन सुन के बातें मुस्काए श्री राम जी सुन सुन के बातें मुस्काए श्री राम जी मारे खुशी के नाचे हनुमान जी मारे खुशी के नाचे हनुमान जी भक्त देखा न बनवारी तेरे समान भक्त देखा न बनवारी तेरे समान जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा भक्त देखा न बजरंगी तेरे समान भक्त देखा न बजरंगी तेरे समान जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम जिसे छोड़ दोगे जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा यावर रामचंद्र भगवान की एक दो बातें कहकर रामायण के माध्यम से मैं विश्राम दूं जल्दी से उसके बाद हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा आरती माता जी की करेंगे। देखिए
बहुत लंबी कथा हमको नहीं कहनी, बहुत थोड़ी सी बातें। अभी राम जी का, राम जी की झांकी भी देखेंगे ना, आज नहीं है, कल से राम जी की झांकी भी आप देखेंगे।